Okay, so let's start now. I think everyone is present. Please mute your mic. Mic कोई भी ऑन नहीं करेगा. Okay, so this is our first class. Actually, ये class नहीं, ये एक introduction है. क्या introduction है? ये समझने का कि कैसे training करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे इस training को हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं. अगर आपने मुझे चांस दिया, अपना बेस्ट किया, तो मैं इस ट्रेनिंग को बहुत हाई लेवल तक लेके जा सकता हूँ. अब उसके लिए क्या समस्या हो सकती है वो बता के रखता हूँ आपको, जिससे लोगों को हो सकता है कि नहीं सर मैं कर लूंगा, वो तो आपके डिपेंड रहेगा फ्यूचर पे. तो सबसे पहली चीज, अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हो इस गुरुकुल की 4 मंथ की पूरी यात्रा में, तो उसके लिए 80% अटेंडेंस मैंडेटरी कर दो खुद से. अभी मुझे किसी बच्चे ने कॉल किया, आप में से ही शायद, तो उन्होंने बोला कि सर मुझे थोड़ा सा आप सपोर्ट कर दीजिए एक्स्ट्रा. ठीक है, मैंने बोला मैं एक्स्ट्रा तो सबके लिए कर सकता हूँ, बस उनके लिए जो 80% से ज्यादा अटेंडेंस, 80% से ज्यादा टास्क कंप्लीट करके देंगे. बाकी के लिए मैं आज भी क्लियरली मेंशन करना चाहूंगा, बाकी के लिए मेरे तरफ से सपोर्ट न मात्र का रहेगा एज ए कॉमन पर्सन. ठीक है, जैसे मैं लोगों की हेल्प कर देता हूँ वैसे ही कर दूंगा. तो आपके लिए मोस्ट प्रायोरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज 80% अटेंडेंस. अपने मन में ही प्रॉमिस कर लो कि सर के क्लास में मैं खुद ही मंडे टू फ्राइडे लेता हूँ क्लास. मंडे टू फ्राइडे मुश्किल से 5 दिन की क्लास है, उसके बाद सैटरडे संडे 2 दिन एंजॉय करने के लिए देता हूँ, जिससे कि आप एकदम माइंड फ्रेश करके मंडे से फिर से लग जाए. ठीक है, और ज्यादा हार्डवर्क भी नहीं है, बट इतना सा हार्डवर्क है कि हार्डली आपको डेली 5 घंटे, 4.5 से 5 घंटे का हार्डवर्क देना पड़ता है. इतने में आप परफेक्ट हो जाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर. परफेक्ट करने का, किसी भी इंटरव्यू में जाके इंटरव्यू दे के आएंगे, जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कमिटमेंट देता हूं आप सभी को. ठीक है, कमिटमेंट आप लोग ऑलरेडी बैच के अंदर हो, मुझे कमिटमेंट भी देने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ. 70 to 80% क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम योर नोट्स. जो मैं दे दूंगा, जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा उसी से आ जाएगा. तो आप लोग एक प्रॉमिस करिए मुझसे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आप 80% के ऊपर अटेंडेंस मेंटेन करेंगे, नॉट ओनली बाय बॉडी बट विथ योर वर्क ऑल्सो. मतलब अपना जो काम दिया उसको भी 80% से ज्यादा काम करके दिखाएंगे, और क्या बोलते हैं, प्रेजेंट भी आप 80% से ज्यादा होंगे. आर यू रेडी फॉर दैट? ये कर लिए तो बाकी सब मेरे पर छोड़ दीजिए. कमेंट करके आप फटाफट बताइए कि मैं प्रॉमिस करता हूँ सर, आई प्रॉमिस, या फिर मैं प्रॉमिस करता हूँ. ठीक है, अगर इतना आप कर दें, बनाने की पूरी गारंटी मेरी है. ठीक है, मुझे पता है क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कैसी मॉडलिंग आनी चाहिए, पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, पूरा मैं तो यात्रा करके आया हूँ जहां पर आपको लेके जाना है. ठीक है, बस इतना सा है कि आप प्रॉमिस करिए कि आप 80% से ज्यादा अटेंडेंस मेंटेन करेंगे. ठीक है, विथ देयर वर्क, जो काम दूंगा उसमें भी, मैं नहीं करूँ 100, 100 मैं नहीं कहता भाई, क्यों, हो सकता है किसी दिन आपको चोट लग जाए, हो सकता है किसी दिन फीवर आ जाए, 20% मार्जिन में से ले लीजिए. ठीक है जी, चलिए. कुछ लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, जिन्होंने जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है वो लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, जिनको पर अपने ऊपर प्रॉमिस अब है कि नहीं सर मैं कर ही लूंगा, वो लोग प्रॉमिस कर रहे हैं. अब ये देखना है प्रॉमिस कौन तोड़ता है, कौन रोकता है. ठीक है, ठीक है, प्रॉमिस है, चलिए. ठीक है जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि बाकी सब मैं करा लूंगा, क्योंकि मैं तो आपको इतना टास्क दूंगा, आप करके ही आओगे, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक होने लगेगा. पहली चीज तो ये है. दूसरी चीज गाइस, आज क्लास नहीं है, सबको पता है ना, आज क्लास नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन क्या है, समझना है कि गुरुकुल में काम कैसे कैसे करते हैं, उसके बारे में समझना है आज. तो गुरुकुल के अंदर गाइस आपको डेली टास्क मिलता है, और डेली टास्क में एक टास्क होगा लेक्चर वॉच करने का, एक टास्क होता है ड्राइंग बना के लाने का. ठीक है, उन दोनों टास्क को एवरी डे यहाँ पर चेक किया जाता है, और चेक करके फिर आगे पढ़ा जाता है. डेली 1.5 घंटे का जो लाइव सेशन होगा, इसमें से हाफ 30 मिनट्स मैं आपके असाइनमेंट चेक करता हूँ. उसके बाद का जो 30 मिनट्स होता है, उसमें मैं आपको टीच करता हूँ, और उसके बाद का जो 30 मिनट होता है वो आपको देता हूँ.
यू कैन आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट। अच्छी बात यह है कि आपका बैच सबसे लास्ट बैच है, आप जब तक मन करे तब तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो आपका इस तरीके से तीनों पार्ट में जुड़ा रहेगा। हर फ्राइडे को आपका मॉक इंटरव्यू होगा, ठीक है, हर फ्राइडे को आपका मॉक इंटरव्यू होगा। उसके साथ ही साथ आपका क्या बोलते हैं, 15 दिन पर एक कैट टेस्ट होगा और महीने में एक बार एमसीक्यू टेस्ट होगा, और पूरे 4 महीने में 2 बार आपके रिटेन टेस्ट होंगे। रिटेन टेस्ट मतलब आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे और कैमरा ऑन करके आप क्वेश्चन आंसर हमारे सामने लिख के पीडीएफ शेयर करना पड़ेगा। इस तरीके से आपके कुछ ट्रेनिंग रहेंगे। कुल मिला के पूरी तरीके से ब्रशअप करने का पूरा प्लान है मेरा। एक कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे जो स्टार्ट टू एंड आप खुद करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी आपने देखा होगा आज का वीडियो, अगर तो एक बच्चे ने किया है, कुछ दिन पहले एक और वीडियो डाला था, बहुत से बच्चे करते हैं, सबको करना ही है क्योंकि उसके बिना सर्टिफिकेशन हम नहीं देते हैं तो नहीं देते हैं। ठीक है, अभी से क्लियर कर देता हूँ, जब आप प्रोजेक्ट हेड जो मेन प्रोजेक्ट है नहीं करेंगे तो सर्टिफिकेशन जो हमारे गुरुकुल का है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, आपकी फीस कंप्लीट है, वेल एंड गुड, आपका ये कंप्लीट है, वेल एंड गुड, बट प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है तो नहीं मिलेगा। ठीक है जी, चलिए ये तो रही सब कड़वी कड़वी बातें, अब थोड़ी सी मिठास वाली बातें कर लेते हैं, समझते हैं कि कैसे पढ़ने वाले हम लोग। गई, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा व्यायाम होता क्या है। कई लोग का एक वो एक कल एक परसों कोई बच्चा ऐसे बहुत कंफ्यूज था या फिर वो लोग बहुत फ्रस्ट्रेट था, तो उसके ऊपर मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल ऐसा था कि 5 शिष्य थे, सपोज मेरे ही आप लोग 5 शिष्य हैं। आप लोगों ने कभी एलिफेंट्स नहीं देखा है, आप लोगों ने कभी भी एलिफेंट्स यानी हाथी नहीं देखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों की आंख पर पट्टी बांध दिया और मैंने बोला कि जाके बाहर देखो और बाहर देख के बताओ कि हाथी कैसा होता है। ठीक है, तो आप में से एक लोग गए और उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा हुआ है, एलिफेंट कभी नहीं देखा हुआ है, उन्होंने जस्ट उसके पैर को पकड़ा, ऐसे ऐसे महसूस किया, ऐसे ऐसे करके, तो उनको समझ में आया कि हाथी इज जस्ट लाइक अ कॉलम, क्योंकि वो सब सिविल इंजीनियर थे तो उनको एग्जाम्पल भी सिविल इंजीनियर वाला देना था, हाथी इज जस्ट लाइक अ कॉलम। ठीक है, और उसके बाद एक दूसरे बंदा गया, दूसरा बंदा जाके उसके सूंड को पकड़ लिया, सूंड को पकड़ा, अब आंख बंद है, उसने कभी हाथी देखा नहीं है, तो उसने बोला हाथी इज जस्ट लाइक पाइप, पाइप के तरह है हाथी। ठीक है, फिर तीसरा बंदा गया, तीसरे बंदे ने क्या किया, उसकी पूंछ को पकड़ा, तो उसने बोला हाथी इज जस्ट लाइक रोप, रस्सी के तरह है। ठीक है, और एक चौथा बंदा था, वो जब आ गया हाथी को पकड़ा तो उसने देखा उसके कान को पकड़ा, उसके कान को पकड़ के बोला ये दिस इज जस्ट लाइक अ फैन, पंखे की तरह है। ठीक है, और उसके बाद एक बंदा गया उसके पेट को पकड़ा, उसने बोला ये तो जैसे टैंक के जैसा है। अब गलत कौन है, गलत कोई भी नहीं है, गलत कोई भी नहीं है, सही कौन है, सही भी कोई नहीं है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं BIM। ये जितने लोग हैं जितना जानते हैं सब सही है, उसका सूंड वैसा ही होता है, उसका पैर वैसा ही होता है, उसका पेट वैसा ही होता है, उसका रस्सी वैसा ही होता है जैसा इन लोगों ने बताया, बट BIM क्या है, इन्हें कंप्लीट चीजों का कंपोजिशन सबको मिला दो तो बनता क्या है, BIM। ठीक है, तो इसी BIM को हम इस 4 महीने में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सब कुछ पढ़ना है, हाथी का सूंड, हाथी का पैर, हाथी का पेट, सब कुछ, मतलब BIM का ईच एंड एवरीथिंग हम लोग इस 4 महीने की ड्यूरेशन में पढ़ने वाले हैं, पूरी ही ईमानदारी से। आप सब ने प्रॉमिस किया है, जिसने प्रॉमिस नहीं किया है उनके ऊपर हमको शक हो रहा है, इसलिए प्लीज प्रॉमिस कर दीजिए। ठीक है, कुछ लोगों ने प्रॉमिस नहीं किया कि 80% रिटर्न इंडिया पाएगा कि नहीं, पहली चीज हो गई। और आसान कर दूं थोड़ा सा BIM को समझने के लिए, तो BIM इज जस्ट लाइक कि खाना बनाने का प्रोसेस। अब खाना बनाने का प्रोसेस क्या है, उसके अंदर दाल बनाते हो, चावल बनाते हो, रेविट बनाते हो, दाल बनाते हो, चावल बनाते हो, सब्जी बनाते हो, रोटी बनाते हो, चपाती बनाते हो, ये सब क्या हो गए, सब खाना बनाने के प्रोसेस में आ गए ना। ऐसे ही BIM का भी प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के अंदर कैट की भी जरूरत पड़ती है, रैबिट की भी जरूरत पड़ती है, टेकला की भी जरूरत पड़ती है, नेविस्वर की भी जरूरत पड़ती है, स्केचअप की भी जरूरत पड़ती है, थ्रीडेस मैक्स की भी जरूरत पड़ती है। ये सब क्या करते हैं, खाना बनाने के टूल्स हैं ये सब। ठीक
और इन टूल्स के मदद से अच्छे अच्छे पकवान आप बनाते हो। और ये सबको पता है कि उसी की कढ़ाई अच्छी हो सकती है, उसी का किचन अच्छा हो सकता है जिसके किचन में सारी चीजें अवेलेबल हो। अब सोचो, सब्जी बनाना है ठीक है, और आपके घर में तवा ही नहीं है। घर में तो होगा, मान लो आप रूम पर रह रहे हो तो तवा ही नहीं है। अब आपने क्या किया, और वो कढ़ाई ही नहीं है। अब आप सोचे सब्जी कैसे बनाऊं, तो आप किसी तरीके से किसी ग्लास में से फ्राई हुई करके काम चलाए। ये फिक्स है कि आप अच्छा सब्जी नहीं बना पाएंगे, बट वही टूल्स होता तो अच्छे से उसको बढ़िया से फ्राई व्राई करके अच्छी सब्जी बना देते। मतलब क्या है, मतलब आज के टाइम में टूल्स को सीख के ही चीजों को आसानी से किया जा सकता है, जल्दी से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। तो ये रहा आपका BIM। BIM मतलब बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, दैट मींस इट इज अ, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर एक इंटेलिजेंट 3D मॉडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं गाइस, इंटेलिजेंट 3D मॉडल। ये क्या होता है, 3D मॉडल आपने अभी तक बनाए होंगे 3ds Max से, स्केचअप से, या फिर ऑटोकैड से बनाए होंगे। उस 3D मॉडल से आप क्या निकाल सकते हैं, 3ds Max से कोई 3D मॉडल निकल बनाया आपने, उसे क्या निकाल सकते हैं? उससे न वॉल निकाल पाएंगे, न मटेरियल निकाल पाएंगे, न साइज निकाल पाएंगे, कोई भी खास चीज, खास इंफॉर्मेशन उसके अंदर से नहीं निकाल सकते हो। लेकिन अगर उसी मॉडल को इंटेलिजेंट कर दिया जाए, तो जस्ट लाइक रेबिट, तो इंटेलिजेंट कर दिया जाए तो उसमें से रेनफोर्समेंट निकाल सकते हो, BBS, उसके मटेरियल की लिस्ट निकाल सकते हो, कितना कितना मटेरियल यूज हुआ है। ठीक है, अगर आपने इंटेलिजेंट बनाया हुआ है तो आप उसका वॉक थ्रू बना सकते हो कि कब कितना कैसे कैसे बनेगा। क्या है ये, इंटेलिजेंट 3D मॉडल है, इसी को BIM बोलते हैं। आइए समझते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा BIM के बारे में, और आज इंट्रोडक्शन ही है तो आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, बस थोड़ा थोड़ा चीजें बता दूं, उसके बाद आपके बारे में जानना चाहूंगा कौन कहाँ कैसे हैं, थोड़ा सा आपका अवेयरनेस मेरे लिए जरूरी है। ठीक है जी, आइए पहले देखते हैं कि आज आपको क्या घर से करके आना है। करके तो डेली आना है, ठीक है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। ठीक है, जब थोड़ा ही करके आएंगे और पढ़ेंगे क्या। चलिए थोड़ा सा BIM के बारे में जानेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन है तो क्या हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आपके काम के बारे में जाना जाएगा, फिर आपके बारे में जाना जाएगा। कोई बीच में क्लास लेफ्ट नहीं करेगा, इस विश्वास से कि मैं सोच रहा हूँ कि आपसे आपके बारे में थोड़ी देर बाद पूछता हूँ, थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। वो फुल स्क्रीन वाला नहीं आ रहा है, चलिए ध्यान से देखिएगा BIM है क्या, थोड़ा सा इसको अगर समझ जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। द फोकस इज शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल 2D बेस्ड प्रैक्टिकल रियलिटी विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनल इकोनॉमिक एंड एनर्जी सेल सेक्टर। क्या है, फोकस इज फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम 2D बेस्ड प्रैक्टिकल रियलिटी, 2D को 3D में कन्वर्ट करना। ठीक है, ऑल डिसिप्लिन इन्वॉल्व विद अ प्रोजेक्ट कैन शेयर अ सिंगल डाटाबेस, एक फाइल में आप सारा काम कर सकते हो, इसीलिए इसको इंटेलिजेंट 3D मॉडल बोलते हैं। आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन आर टाइड टुगेदर, सबके सब मिलके, एंड चैलेंज टू कोऑर्डिनेट देम इज अनप्रेडिक्टेबल पॉसिबल। BIM is the process in which we make intelligent 3D model with the help of which we extract information for further uses. फिर से देख लीजिए, BIM is the process. BIM कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, BIM is the process in which we make intelligent 3D model. इतना ही याद कर लो तो आज का दिन बन जाएगा। BIM is the process in which, process मतलब खाना बनाने का प्रोसेस, इन विच बी मेक इंटेलिजेंट 3D मॉडल, जिससे कि आपके पास ढेर सारे पकवान हो जाए, विद द हेल्प ऑफ विच वी एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर यूज। अब वो लोग, सर ये बताइए, मेरे पापा पूछ रहे थे कि तुम BIM क्यों सीखना चाहते हो।
तो आप बताइए उनको अपने व्यायाम के बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स है, आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी और रिलेटिविटी जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, टाइम सेव होने लगेगा आपका, क्या होगा टाइम सेव होने, क्योंकि एक 3D को बनाने में बहुत कम समय में आप पूरी की पूरी 3D इसके अंदर बना सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, कम पैसे में अच्छा काम हो सकता है, यहाँ पर आपको एक बार कोई चीज को बना दिया, इसको तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है, आराम से उसको उस पर टाइम सेव कर सकते हो, उस पर कॉस्ट बचा सकते हो, एग्जैक्टली जैसा है वैसे रख सकते हो। आपको पता है कि जनवरी में किसी चीज का मटेरियल का रेट महंगा होने वाला है, आपने पहले सस्ते में खरीद लिया, आपको पता है कि फरवरी में कोई चीज सस्ता होने वाला है, तो आप अभी से उसका स्टॉक लेके क्यों खराब करोगे, तो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन पता चल जाता है। इजी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, मतलब आप एक आर्किटेक्चर वाला स्ट्रक्चर वाले से स्ट्रक्चर वाला एमईपी वाले से आराम से बात कर पाता है। 3D प्रिंटिंग मॉकअप्स, अच्छे अच्छे 3D प्रिंटिंग सिंपल बना के आप कस्टमर्स को आकर्षक तौर पे दिखा के बुकिंग अमाउंट ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो। उसके अलावा सिमुलेशन कर सकते हो, सिमुलेशन मतलब होता है एनिमेटेड फॉर्म में आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमईपी तीनों फाइल को मिक्स कर सकते हो। इन्वेंट्री एंड एसेट मैनेजमेंट, मतलब कि एग्जैक्टली कितना जरूरत है उतना ही एसेट मंगवाया जाए, उसके बाद का रख दिया जाए फिर न लिया जाए। स्कैडा एंड बीएमएस इंटीग्रेशन, बीएमएस मतलब होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कैमरा है, वॉकी टॉकी, ये सब ऐड हो जाता है आपकी बिल्डिंग के अंदर। स्कैडा मतलब लाइटिंग 6 बजे ऑटोमेटिक जल जाएगी आपके सोसाइटी में, तो कई लोग देखते होंगे बड़े सोसाइटी में, तो आप 6 बजे ऑटोमेटिक लाइट जल जाएगी, सुबह लाइट बंद हो जाएगी। क्या है ये कोडिंग की गई है, ऐसे स्प्रिंकलर वाटर है, पानी ऑन होगा गार्डन में, पानी भरेगा, उसके बाद अपने आप पानी बंद हो जाएगा। क्या है ये, स्केडा इंटीग्रेशन है, बिल्डिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट है ये। किस किस तरह की बिल्डिंग्स में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, सर्विसेज प्लानिंग एंड मॉडलिंग में, क्लास बी मॉडलिंग में, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में, ऑफिस स्पेस इंटीरियर में, कॉमर्शियल रेसिडेंशियल, रेसिडेंशियल एक्सटीरियर, बिल्डिंग एक्सटीरियर, हर तरह के बिल्डिंग्स में आप इसको यूज कर सकते हो। देखिए आपके सामने एक 3D मॉडल दिख रहा है, अब सोचिए कि अगर दो लोग किसी क्लाइंट के पास गए हैं, एक मैं गया हूँ एक आप गए हैं, और मेरे पास एक प्लान रखा हुआ घिसा पिटा सा, आपके पास एक बेहतरीन सा 3D मॉडल कि भाई आपका घर ऐसा बन के दिखेगा, किसके तरफ क्लाइंट जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, सोचिए आपकी तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि आप उसको लुक दिखा रहे हो, आप उसको ऐसा दिखा रहे हो बन के कैसा दिखेगा, तो आपके तरफ वो अट्रैक्ट होगा और आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो आप BOQ भी निकाल के दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी निकाल दे सकते हैं, 3D विजुअलाइजेशन का भी काम करके दे सकते हैं, उसके अलावा आप प्री फैब्रिकेशन का भी काम करके दे सकते हैं, भाई किसी चीज को बाहर से बनवाना है, आराम से पहले भी मॉडल अप्लाई कर दीजिए, प्रॉपर देख लीजिए कितने साइज का क्या चाहिए, जाके बाहर से प्री फैब्रिकेट करवा लीजिए, BOQ निकाल सकते हैं, एनर्जी एनालिसिस कर सकते हैं, 3D विजुलाइजेशन कर सकते हैं, सर्विस प्लानिंग एंड मॉडलिंग कर सकते हैं, एग्जैक्टली कैसा कैसा क्या रहेगा पूरा का पूरा मॉडलिंग कर सकते हैं, डक्टिंग कहाँ से जाएगी, केबल ट्रे कहाँ से जाएगी, क्या उसका हाइट होगा, क्लैश निकाल सकते हैं BIM में, कैसे क्लैश, क्लैश मतलब ये पाइप टकराएगी तो नहीं इससे, या फिर टकराएगी इसका क्या दूसरा क्या रास्ता है, ये पाइप इस पाइप से टकरा रही है ना, अब डायरेक्ट ऑन साइड अगर आप काम करते हो और इसे टकराने लगते तो क्या करते, फिर वही जुगाड़ करके नीचे इसके लेके जाते, फिर उसको टेढ़ा करते, स्लोप खराब होता है इधर उधर, बेटर है कि पहले से मॉडलिंग कर लिया जाए। अब देखिए यहाँ पर इतना कम हाइट है, इतना हाइट का तो आदमी होता है तो टकराएगा, उसके सिर में लगेगा, इससे बेटर है थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ा लिया जाए। इसके बाद है आपका जो ये देख रहे हैं, यह है स्टील की बिल्डिंग है, टेकला स्टील, तो स्टील भी आप सीखने वाले हैं, जियो ड्राइंग, असेंबली ड्राइंग, ये सब के बारे में आगे हम आपको बताने वाले हैं, तो इसमें जियो ड्राइंग, डिटेल ड्राइंग्स और सॉफ्ट ड्राइंग ये सब निकाल सकते हैं, ऐसे ऑफिस इंटीरियर भी बना सकते हैं, क्लाइंट को दिखाने से पहले बना लीजिए फिर दिखाइए, क्लाइंट खुद ही हैप्पी होगा, बोले वाह कितना अच्छा है, और जब क्लाइंट ये बोल दिया वाह, आप अपने रेट को थोड़ा सा बढ़ा लो, क्योंकि अब क्या टेंशन है। ये बेनिफिट्स हैं ऑटोडेस्क के, और इसके अंदर कई ढेर सारे LODs हैं, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें 100, 200, 300, 400, 500, बट अभी इसके बारे में हम लोग नहीं जाएंगे, इसकी पूरी क्लास रहेगी जो हम लोग पढ़ेंगे। अभी जस्ट मुझे आपको बताना था कि BIM होता क्या है, तो BIM आपके ऑफिस इंटीरियर में भी काम कर रहा है, स्टील मिल भी काम कर रहा है, क्लास में भी, प्लानिंग में भी, रेसिडेंशियल में भी, और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में भी, हर जगह BIM आपका
काम कर रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यह व्यायाम का सबसे बड़ा प्रारूप, और यह व्यायाम की आपकी बेनिफिट्स, और यह व्यायाम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इतना पर्याप्त है अभी के लिए एज ए इंट्रोडक्शन, क्योंकि अभी मुझे आपका इंट्रोडक्शन लेना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। उससे पहले आपको बता दूं कि आप घर से क्या करोगे, ठीक है। तो घर से आज आपको कुछ नहीं करना है। आप बोलोगे सर मतलब आपको जस्ट मैं देखना चाहूंगा बेसिक्स, किसका ऑटोकैड, किसको लाइन चलाने आता है, बस आपको बस 1 2 3 ड्राइंग्स बनानी है सिविल कैड में, जो कि पेज नंबर 1 पर है, और 3 ही बनानी है एम कैड में, जो कि पेज नंबर 1 पे है। पेज नंबर 1 की दोनों ड्राइंग्स बनाना है, बट ये तभी संभव है जब आपने कभी ऑटो कैड चलाया होगा, प्लस लेक्चर 1 को वॉच किया होगा। अब लेक्चर 1 कैसे वॉच करेंगे? लेक्चर 1 को वॉच करने के लिए आपको बीम के कोर्स में जाना है, ऑल इन वन के जस्ट नीचे। वहां पर आपको कंटेंट का ऑप्शन मिलेगा, कंटेंट में ऑटो कैड के कंटेंट में लेक्चर 1 को जस्ट वॉच करना है, एक लेक्चर, और इंजॉय करना है। और ये ड्राइंग कितना मिनट का है? 2 मिनट का है। ये ड्राइंग बना देंगे, 2 तो 4, और एक सिविल वर्क। होप असाइनमेंट्स क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब जिस काम के लिए आज आए हैं हम लोग, उस काम को स्टार्ट करते हैं। द वर्क इज योर इंट्रोडक्शन, ठीक है। वर्क इज योर इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट नाउ। चलिए अभय पटेल अपना माइक ऑन कर लीजिए, अल्फाबेट वाइज आ रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि आपका नंबर कब आएगा। ये सब है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। गुड इन जी। सर, आई एम अभय पटेल फ्रॉम बिहार। आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक डिग्री फ्रॉम जीएससी कैमूर फ्रॉम पास आउट ईयर, 2023। एनी सॉफ्टवेयर स्किल्स, ऑटोकैड जानता हूं सर। ऑटो कैड बेसिक्स, राइट। यस सर, थैंक ओके, थैंक यू सो मच अभय। यू। नाउ नेक्स्ट मिस्टर अभिजीत। सर मैं अभी ओके, कोई बात नहीं। मिस्टर अभिषेक, मिस्टर अभिषेक के कुमार, जी गुड इवनिंग सर। कुमार नहीं, के। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। यस अभिषेक के बताइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मायसेल्फ अभिषेक कुमार, आई बिलोंग फ्रॉम बिहार, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। आई कंप्लीट माय डिप्लोमा इन लखनऊ जीसीआरजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इन लास्ट ओके, ईयर। लास्ट ईयर मतलब 2022। यस सर, व्हाट यू डिड आफ्टर दैट? नथिंग सर। नथिंग। ओके थैंक यू सो मच अभिषेक कुमार। नाउ नेक्स्ट इज, थैंक यू सर। नेक्स्ट ओके नेक्स्ट इज अभिषेक। यार अभिषेक दो हैं, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, और ये 3 आईडी से खुले हुए अभिषेक है। एक से तो अभिषेक तुम लेफ्ट कर दो तुरंत, ये जो रेड वाला है वो लगाए हुआ, एक से लेफ्ट कर दो। हाँ अभिषेक के, अपना माइक ऑन कर लीजिए। हेलो अभिषेक की आवाज नहीं आ रही आपकी, लेफ्ट करके आ जाइए तब तक आप, जब तक मैं दूसरे लोग का इंट्रोडक्शन लेता हूँ। अबू ओसामा अपना माइक ऑन कर लीजिए। हेलो सर, माय नेम हेलो इज अबू ओसामा। बेसिकली आई एम फ्रॉम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश सर। आई हैड ओके कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी देहरादून इन 2020 सर। आई हैव 2.5 ईयर एक्सपीरियंस इन सिविल फील्ड एज अ क्यू ए क्यू सी, क्वालिटी कंट्रोल सर। एंड राइट नाउ आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ करियर इन बीम सर। QC, you have experience यस सर। and you want to start. Okay, ठीक है। और ये पास आउट ईयर? 2020 सर। थैंक हाँ ठीक है। ओके थैंक यू सो मच अबू। एंड नाउ आसिफ, सॉरी सैफी, एजे सैफी। हेलो। यस सैफी, यस आई बिलोंग फ्रॉम ग्रेटर नोएडा एंड माय नेम इज अनस जहांगीर अच्छा एंड आई बिलोंग टू ग्रेटर नोएडा। आई कंप्लीटेड माय बीटेक प्लस ग्रेटेड 5 years गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी इन 2019 ओके एंड आफ्टर दैट आई वर्क फॉर अराउंड 1.5 year ऑन सिविल प्रोजेक्ट्स नॉट इन माय
And after that, you left that. After that, you left that. Okay. Akshata Patil. What, sir? Good evening, sir. Good evening, जी. उसके बाद आपने छोड़ दिया सैफी जॉब को, जो जॉब आप कर रहे थे उसको छोड़ दिया है, अभी केवल प्रिपरेशन कर रहे हैं. छोड़ दिया जॉब क्योंकि सर डोमेन की नहीं, अभी इस समय केवल प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवल इस समय डोमेन की नहीं थी सर जॉब, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इस वजह से छोड़ी मैंने. ओके, नो सो आई जस्ट वांट टू नो कि यू आर इन जॉब और यू आर डूइंग जस्ट फुल टाइम दिस. हाँ सर इसका छोड़ दिया. ओके, नाउ अक्षता. So, I'm Akshita from MTech in SLN College, sir. MTech passing from? MTech from? BTech, sir. BTech from? BTech from SLN College, sir. SLN. Where is this? So, in Karnataka, Raichur district, sir. In Karnataka. Okay. And do you have any software skills? Basic AutoCAD, sir. Basic AutoCAD. Okay, thank you so much, Akshita. I know you pass out here, Akshita. 23, sir. Very good. That's great. Now, Mr. Abhay Construction. Akshay Construction, sorry. Mr. Akshay. Hello. Hello. Sir, am I audible? Yeah, you are. Hello, Akash ji. Yes. Namaste. Namaste ji. Yeah. I am Akshay. Yeah. I am from Bangalore, Karnataka. Okay. I have completed my BTech in the year 2017. Then after that, I got the field experience from my father, where he took up projects. So started like a startup we started. I have some 4 to 5 residential buildings which I completed from construction and 2 of planning. Parallelly, I also completed my MTech. Okay. In the year 2019, with respect to software skills, AutoCAD, SketchUp I learned recently, where I know basics. I also learned Revit and 3ds Max. Well, I forgot the commands and the entire software. Okay. What is the file format of SketchUp? I'm not able to recall at the moment. It's okay. Thank you so much, Akshay. This was my talk. Now, Mr. Amanpreet. Good evening, sir. Good evening, good evening. Introduce yourself, Aman. So, my name is Amanpreet Singh. I belong to Bathinda, Punjab. Currently, I am working structural engineer in Bathinda, Beltec engineer. I know about StatPro or ETAB. I design a various structure in ETAB or StatPro. Now I want to learn a BIM, because when I am manual calculation BOQ, that is biggest problem when we are design and drafting problem are recognized, because when we drafting from the draftman, they are do many mistake in drafting. So I want to learn a BIM to improve that concept, that drawings. Great, very nice. So you pass out here, Aman? Sir, 2022. And right now you are using the STAT and AutoCAD. STAT and ETA. AutoCAD is based. Both, you know, right? Yes, sir. Okay, very nice. Thank you so much, Amanpreet. It's so nice to talk with you. Now next is Arslin. Arslin. Okay, maybe it's not audible now. Now next is Ayush. Hello sir, my name is Ayush Padlekar. I am last year BE student from Mumbai. Okay, and you have any software skills? Yeah, AutoCAD basics. Okay. Great. Now next is Mr. Deen Bandhu. अपने नाम साथ में लिख दिया है मिस्टर दीन बंधु. हेलो, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यू आर. गुड इवनिंग सर.
Good Myself evening. Dinamandu Ekka. I am from Odisha. I completed my BTech in 2016 from VSS UP, Vishwendra Sai University of Technology. And right now I am preparing for government jobs. After BTech, I prepared for the GATE examination. After that, I worked under an NGO on the MNREGA projects. After that, I had a side experience around of 1 year, around 1 year. After that, COVID, I left the job. And right now, I'm preparing currently for government jobs in India. ओके सो पास आउट ईयर दिनबंधु 2016 सर, जस्ट अब फोकस करना है बीआईएमपी, यस ठीक सर, है। गवर्नमेंट जॉब होना होता तो अभी 8 साल में हो जाता कहीं ना कहीं, हाँ राइट सर, वो तो है। ठीक है। अब जितना टाइम बर्बाद करोगे उतना ज़्यादा कंपनी पूछने लगेगी कहाँ थे, तो इसलिए जब होना होता है तो 1-2 साल में हो जाता है, नहीं होना होता है तो फालतू में उसके पीछे कैसा है कि जो चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है हम उसके पीछे क्यों भागे। आज कोई एक रिपोर्ट आ रही थी कि उस रिपोर्ट में ऐसा था कि 0.002% लोगों ने आईएएस को क्वालिफाइड किया हुआ है, 0.002%। सर ठीक मेरा है, क्या था ना, मैं अपना सिविल फील्ड से ध्यान हटा दिया था। मतलब क्या हुआ, मैं 2021 में गवर्नमेंट जॉब जो स्टेट गवर्नमेंट होता है पीएससी में, इंटरव्यू तक गया था, इंटरव्यू तक कट गया, उसके बाद से मैं होप छोड़ दिया था सिविल का, क्योंकि तो नॉन टेक वगैरह जो होता है गवर्नमेंट के लिए उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। नहीं ठीक है, लेकिन अब मत करो, हाँ छोड़ सर, दो, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अब छोड़ दो, क्योंकि उसके पीछे रहोगे ना तो बिलीव करो ना ये होगा ना होगा। और हाँ सर, तुम जितने जॉब के सपना देख रहे हो, तुम अभी किस चीज की तैयारी कर रहे हो बताओ तुम। अभी मैं नॉन टेक स्टेट पीएससी वगैरह निकलता है ना, उसके लिए हाँ लगा हुआ। तो उसकी सैलरी अगर सरकारी सैलरी कितनी होती है अप्रोक्स, 40,000 अराउंड स्टार्टिंग होती है, फोर्टी थर्टी थर्टी थाउजेंड फोर्टी हम 50 पकड़ लें, हाँ 40,000 अराउंड। ठीक है 50 पकड़ लेंगे, साल भर में कितना होगा, साल भर में 15-12 प्लस 6 लाख अराउंड, 6 लाख के करोड़। अभी आपकी एज 25-30 तक आ गई होगी लगभग, अभी एवरेज 30 30 30 30 30 30 है। कितना दिन तक जॉब है आपकी, 30 ईयर की जॉब रहेगी आपकी, 60 इयर्स तक, 30 इयर्स। 30 ईयर की जॉब रहेगी, राइट। तो आप एक एक साल में आपका इनकम हो रहा है कितना हो रहा है, 10 लाख ना, सिक्स 6 6 6 लाख्स, लैक्स लाख हो रहा है, तो 10 साल में कितना होगा, 1 करोड़ 80 लाख। 60 लाख, राइट। और उसके बाद अगर आप मान लीजिए कि 30 साल रह गए तो कितना आपका इनकम होगा, 1.8 CR, कितना है 1.8 CR, राइट। और जितनी सैलरी पाएंगे उस सैलरी में से आधा तो खर्च होना ही होना है, कोई भी इंसान हो आधी सैलरी तो खर्च हो ही जाती है, बचा कितना, 90 लाख रुपीस। और ये क्या है, आपकी पूरी जिंदगी की कमाई। आप कहाँ से हो, उड़ीसा से। उड़ीसा से हो, आप बाहर निकलो नोएडा जैसे शहर में और क्या बोलते हैं बड़े शहर में अपने आसपास देखो, वहां पर एक फ्लैट का प्राइस क्या है, 90 लाख, 1 CR से, ऑलमोस्ट 2 BHK के वन वन सी आर से सीआर स्टार्ट होता है। मतलब आपकी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी जाए तो क्या बनेगा, ये भी समय एक फ्लैट में निकल जाएगा। एक घर बनेगा, क्या आप संतुष्ट हैं इससे। नहीं सर, इसमें नहीं है। हाँ तो फिर हम उस चीज के पीछे क्यों भागे, क्लियर रखो ना, ठीक है। मुझे कोई बोले कि आपको गवर्नमेंट जॉब, मैं नहीं करूंगा, सर वो ऐसा नहीं था ना, घर वाले थोड़ा, घर वाले सब गवर्नमेंट में है, तो थोड़ा गवर्नमेंट जॉब का यहाँ थोड़ा है, थोड़ा सर वो कल्चर है थोड़ा गवर्नमेंट जॉब का उड़ीसा में आई आई थोड़ा। एग्री विद दैट कि मैं जहां से आता हूँ उससे ज्यादा कल्चर नहीं होगा, मैं इलाहाबाद से आता हूँ, हाँ हाँ ठीक है, सर, आपका तो और हमारे यहाँ पर 90% लोग प्रिपरेशन करते हैं, बट मैं प्रोबेबिलिटी देखता हूँ, और इस तरीके की चीजें मुझे नहीं पसंद है कि क्या बोलते हैं इस तरीके से आदमी का जो टाइम आर से वो जाए। और दूसरी चीज, आप क्लियरेंस में हो ना, आपका क्लियरेंस क्या है, अगर आप बोलते हैं कि सर मैं इसमें संतुष्ट हूँ, बिलीव करिए मैं बोलता कि ओके तब तो ठीक है, ठीक है। अब जब पूरी जिंदगी कमाई करके 90 लाख रुपए की अर्निंग करके अगर एक फ्लैट खरीद लूँ तो उसका मेंटेनेंस का पैसा देने को हमारे पास नहीं रहे तो बेकार है ना, ऐसा है ना, तो फिर क्यों ऐसी जॉब करना, ऐसी जॉब करना जिसमें ढेर सारी लर्निंग हो, लर्निंग करने के बाद जो, क्योंकि देखिए आपकी जॉब करने, मेरा एक बहुत मतलब एक बहुत अच्छा है अंकल है जो कि क्या बोलते हैं बिजनेस करते हैं, तो बोले कि उनका ही, मैं एक्चुअली जो मैंने बात बोली उन्हीं की बात थी, तो उन्होंने बोला कि तुम जॉब करके कितना कमा लोगे, तो
उसे मेरी सैलरी 12,000 रुपये थी। तो मुझे बोले कि तुम जॉब करके कितना कमा लोगे, उन्होंने ये गणित बताया कि कोई कैलकुलेट ना हो। तो मैंने पूरी जिंदगी में जो मेरी आई थी लगभग 70 लाख रुपए आई थी, क्योंकि 12,000 का एवरेज वाला आदमी कितना सोचेगा, 20 सोच लेगा, है ना। तो 20 लाख मतलब अप्रोक्स जो मेरा बजट आ रहा था, कितना आ रहा था, 60 से 70 लाख रुपए की सेविंग हो रही थी। और उन्होंने बोला कि इतना पैसा अगर कमाना है, केवल 60 से 70 लाख कमाना है, तो मैं अपने बेटे को, बिजनेसमैन है, उन्होंने बोला मैं अपने बेटे को जिंदगी के लिए बाहर नहीं भेजूंगा, ठीक है, क्योंकि इतना पैसा तो हार्डली 3 से 4 महीने में छाप लेगा। समझ गए, यस मतलब इस ब्रेन को खोलना है। तुम्हें कहानी सर, इसलिए रुक के सुना रहा हूँ कि इस ब्रेन को खोलना है। दिस गवर्नमेंट 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 के चक्कर में अपने माइंड को खराब नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं है उसमें। कई लोग के दिल में लगेगा, बट लग जाए कोई बात नहीं, बट सच्चाई है, ठीक है दीन बंधु। अभी माइंडसेट क्लियर करो, एक चीज पर फोकस करो। बीम के अंदर 70-80 हज़ार रुपए की जॉब कहीं नहीं गई है आज से 2 साल के अंदर, बस, ठीक है। चलिए, आप लोगों के डिबेट्स भी आएंगे, हम लोग हैंड रेस करके रखिए, पहले एक बार सबसे इंट्रोडक्शन हो जाए। चलिए ठीक है, 2016 से पास आउट है। नेक्स्ट गौरव, ओके जी, गुड। नेक्स्ट गौरव कुमार शर्मा जी, गौरव कुमार गुड इवनिंग शर्मा, सर, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गौरव, गौरव, सर माय नेम इज गौरव कुमार शर्मा। हाँ इट्स माय प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ टू यू। आई लिव इन हजारीबाग झारखंड। आई रिसेंटली कंप्लीट माय डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। नाउ आई एम परसुइंग बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा पास आउट ईयर सर 2020। ओके सही है। एंड राइट नो इन द डिग्री राइट, जी सर, व्हेन इट विल कंप्लीट 24। 24, तो यू कैन कम इन माय कंपनी आफ्टर 24 ना। यस सर, तो राइट नो यू आर नॉट लुकिंग फॉर द जॉब यस सर, राइट। इस समय जॉब तुम देख रहे हो क्या, ऐसा पूछ रहा हूँ। नो सर, ओके सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा इशू हो रहा है आवाज का। ओके कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। जतिन ऑन योर माइक प्लीज। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग माय जतिन, यस यस माय नेम इज जतिन, आई एम फ्रॉम करनाल हरियाणा। आई कंप्लीटेड माय बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम डिक्रस मुरथल हरियाणा इन ईयर 2021। एंड आफ्टर दैट आई ज्वाइन माई फैमिली बिजनेस। सो बट लेटर ऑन आई थॉट आई शुड डू समथिंग इन सिविल इंजीनियरिंग, सो आई वॉन्टेड टू ज्वाइन दिस गुरुकुल बैच इन बीम। व्हाट वाज़ द योर फैमिलीज़ बिजनेस? सर इट्स वी आर डिस्ट्रीब्यूटर काइंड ऑफ बाय सर, बास्केट मतलब बास्केट नहीं, नो 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 सर, मतलब जो बाइक्स होती है ना हीरो की, उसके हाँ स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है, ओके डिस्ट्रीब्यूटर है सर। ओके पास आउट ईयर 2021 यस सर, 2021। ओके थैंक यू सो मच जतिन। नाउ जयस, मिस्टर जयस, यस गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जयस। मायसेल्फ जयस पाटिल, ओके आई एम फ्रॉम धुले महाराष्ट्र। ओके करंटली आई एम वर्किंग एट जेएम मात्र इंफ्रा एट द प्रोजेक्ट NH6 एज अ जूनियर प्लानिंग एंड बिलिंग इंजीनियर। अच्छा, योर पास आउट ईयर 2023। आई डू 23, माय इंजीनियरिंग, ओके और आई डू माय इंजीनियरिंग फ्रॉम केकेवाद नासिक। नासिक, थैंक यू सो मच जस। यस नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर कार्तिके। मिस्टर कार्तिके, ओके लक्ष्मण, गुड इवनिंग सर, माय गुड सेल्फ लक्ष्मण, आई एम फ्रॉम पुणे। आई हैव कंप्लीटेड माय बीई फ्रॉम सिंहगड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वडगाव बुद्रुक पुणे। करंटली आई एम वर्किंग विथ अ रियल इस्टेट मैगजीन कॉल्ड बिल्डर्स नेटवर्क एंड आई हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑल्सो इन इंफ्रा। आई हैव मेड रोड्स एंड स्टेशन रेलवे स्टेशन एंड ओके इन लॉकडाउन आई हैव बिल्ट माई होम ऑल्सो। ओके ये पास आउट ईयर 2018।
2018. Okay. How many year experience you have? 1 year. 1 year experience. Okay. And before that? Before that, in lockdown, I have to go to my hometown and I have built there my own home in 1,000 square feet. Okay. Thank you so much, Lakshman. Okay. Now, Mr. Lakshman. Oh, sorry, Mr. Javed. Mr. Javed Siddiqui. Pavitra. Mr. Pavitra. Pavitra on your mic and. Hello, sir. Yes, Pavitra. Sir, I am Pavitra Mohis. I done my BTech in the year 2020. Sir, I have knowledge in AutoCAD and StatPro. Sir, currently I am doing a job and I have experience about 3 years. Okay, and your pass out year? Sir, 2020. Great, very good. Thank you so much. And in which location are you looking for the job? Sir, I am currently in New Delhi. Okay. Thank you so much. Now, Pallavi. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Yes, continue, please. I am Pallavi Meshram and I am from Mumbai and my pass out year is 2022 and I am aware of AutoCAD Basics and StatPro. AutoCAD Basics, you know, and you're from Mumbai, right? Yeah. Okay, and your college is completed in Mumbai? Yes, sir. Okay, great. Thank you so much. And thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Now, next is Prathmesh. Mr. Prathmesh. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Sir, myself Prathmesh Khobrakade. I am from Nagpur. I have completed my BTech in civil engineering from Sanjeevani College of Engineering, Kopargaon. I got my PPO from the college itself. I was in my third year, so I started working as a BIM engineer in my third year itself. So I have worked under a company within the profile of a BIM engineer. Mostly scan to BIM. I have completed around 24 projects in scan to BIM, which includes petrol stations, warehouses, structural analysis of certain buildings. And I'm currently doing the KT. I have left my job in this month only. So that's all. Thank you. Okay, so you are in from Sanjeev, from where in Nagpur? Where? My college is from Kopargaon, which is near it, near to Shirdi. But my family is Nagpur based. So that's all. Okay, thank you so much. Now next is Mr. Rohit Sharma. Rohit Mishra, sorry. Good evening, sir. Good evening, good evening. Myself, Rohit Mishra. I am from Uttar Pradesh, Gonda. I complete my diploma in civil engineering, Government Polytechnic, Muradabad. I am presently working in site engineering, MP. These are 23. Okay. Great. That's it. And you have any software knowledge? Yes, sir. Sir, AutoCAD Basics or Excel. Okay. Thank you, sir. Now, next is Mr. Samit Kumar Nayak. Good evening, sir. Good evening. Samit, you were studying before, right? सर एक्चुअली बीच में बस मतलब जहाँ पे पहले जिस कंपनी में काम कर रहा था उस पे टाइम में दे नहीं पा रहा था. एक्चुअली सुबह 7:30 बजे साइट पे जाता था, आने के टाइम 9:30 बज जाता था. तो बस मतलब ऑटो कैड ही बहुत ही मुश्किल से खत्म कर पाया था, उसके आगे जा नहीं पाया, सीधे टाइम छोड़ दिया था. तुम्हारा पास आउट ईयर क्या है बता दो मुझे. 2021. अभी भी जॉब कर रहे हो? जी सर, अभी मतलब पहले जो कंपनी में था अभी दूसरा कंपनी में स्विच कर लिया हूँ सर. ओके, बट जॉब में हो ना? जी सर. ओके, चले. दिस इज ओके. श्वेता. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग जी.
Shweta, introduce yourself. Sir, myself Shweta Singh. Basically, I am from Katni, but currently I live in Bhopal from past 6 years due to my graduation and post graduation. My pass out year is 2020, and currently I am pursuing my M.Tech in structural engineering. From which college? Truba College of Engineering. Truba College. In Bhopal. Okay. How long from Katni to Bhopal? From past 6 years I live in Bhopal. No, from Katni to it's a distance. It is 450 kilometers. 450. Katni to Bhopal. Yes, sir. Okay. Okay. Thank you so much, Shweta. And do you have any software knowledge? Yes, sir. AutoCAD Basic. AutoCAD Basics. अब देखो तुम बहुत तुम लोग कैसे करते हो ना, अभी देखो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है. चाहो तो अभी देखो भोपाल में कोई भी अच्छा सा स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं है, ठीक है, और उस पे वर्क कर सकते हो. बीम में तो लेना देना ही नहीं लोगों को, ठीक है, उसे पूरा का पूरा एकदम स्कोप ही खुला हुआ है. स्ट्रांग कर दो खुद को, है ना. तो इस तरीके से अगर अपने मार्केट को पकड़ पाओ तो पकड़ लो. अब वो तुम अपने हिसाब से कैसे तुम देखते हो, मेरा देखने का नजरिया अलग है, आपका अलग हो सकता है. चलो, तौसीफ, मिस्टर तौसीफ. थैंक यू सर. ओके जी, मस्त. यस, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. आई एम तौसीफ आलम. आई बिलोंग्स टू सीतामढ़ी बिहार. आई कंप्लीटेड माय बीटेक इन 2020. आफ्टर दैट आई जॉइंड एज अ सिविल साइट इंजीनियर इन अ कमर्शियल बिल्डिंग अप्रोक्स 2 ईयर. न्यू पास आउट ईयर 2020 सर. 2020. यस, आई डोंट हैव एनी सॉफ्टवेयर स्किल. चलो आप किसी का इंट्रोडक्शन रह गया क्या गाइस? ओके, तो सिर्फ ऑफ योर माइक. ओके सर, थैंक यू. ओके जी, अभिषेक के, अभिषेक के, योर इंट्रोडक्शन इज पेंडिंग ना. दिग्विजय का रह गया क्या? दिग्विजय, हाँ सर. आपका इंट्रोडक्शन रह गया ना. हाँ सर. यस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. My name is Sir Digvijay Shedwa. I am from Satara, Maharashtra. I am presently continuing in BTech last year, sir. My diploma passed out, sir, 2019. That's it. Any software knowledge? Sir, basically, sir, AutoCAD and quantity measurement, MBC, sir. Which one? MBC? Ah, sir. ओके चलेगा. चलिए, किसी और का भी कुछ है सर? आज का सर रेविट का सर सिलेबस जो आपने एक यार मेरा थोड़ा बंक हो गया है, तो देखने के लिए मिलेगा क्या? क्या मिलेगा आज का लेक्चर ना? हाँ, ये आज तो हाँ सर. इंट्रोडक्शन हो रहा है, आपका हाल चाल लिया जा रहा है. शुरुआत में सर 20 मिनट में नहीं था मैं. कोई बात नहीं, अभी जस्ट शुरुआत के 20 मिनट्स में बता रहा था रूल्स एंड रेगुलेशन. बाकी ये सेशन कल यूनिक सिविल के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा आपको, ठीक है. जस्ट इंट्रोडक्शन है, आज क्लास है ही नहीं, ठीक है. क्लास जो एक्चुअली में स्टार्ट होगी वो कल से स्टार्ट हो रही है, ठीक. आज आपको सिर्फ टास्क याद रखना है. टास्क क्या है गाइस? आप सबके पास यूनिक सिविल का ऐप होगा ही. ऐप के BIM वाले सेक्शन में जाना है, प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ BIM का सेक्शन मिलेगा. उसमें कंटेंट में जाएंगे, ऑटोकैड के कंटेंट में लेक्चर नंबर 1 वॉच कर लेना है. और वॉच करके सिविल कैड वर्क और एम कैड करके दो वर्कबुक मिलेंगी, दोनों वर्कबुक का पेज नंबर वन बना लेना है, ठीक है. फिर से दिखा दे रहा हूँ जिससे किसी कंफ्यूजन ना हो. इतना सा टास्क है आपको, ये तीन ड्राइंग्स और ये तीन ड्राइंग्स देख के बना, चार ड्राइंग्स, सात ड्राइंग टोटल बनानी है. बना के इसका DWG फाइल आप मेल करेंगे. कहाँ मेल करेंगे आप लोग? मेल करने के लिए गाइस यहाँ पर आपके पास मेल आईडी रहेगी. मेल आईडी में नाम देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए आपके सीनियर ने लिखा हुआ है अपना नाम. देखिए आपके सीनियर है सिंथिया, तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है? सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स अक्टूबर बैच. आपको सब्जेक्ट में लिखना है सिविल इंजीनियरिंग BIM नवम्बर बैच, नंबर 23 बैच. ये मैं लिख के भी दे दूंगा आपको. यहाँ पर डालना है आपको गुरुकुल,
civilengineering@gmail.com मेल आईडी डाल देना है और यहाँ पर आपको आ जाएगा आपकी फाइल। सपोज आपने ये टास्क किया हुआ है, इसको सेलेक्ट करके सेंड कर देना है। ये एवरीडे करना है, डीडब्ल्यूजी फॉर्मेट में ही करना है। सिविल इंजीनियरिंग BIM नवंबर 23 बैच और गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग.com। इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा। और लेक्चर वॉच करने के लिए आपके पास यूनिक्स सिविल ऐप होगा, मोबाइल में देख सकते हैं, लैपटॉप में देख सकते हैं, ऐप होगा। ऐप के अंदर आपको BIM करके एक वीडियो कोर्स दिखेगा, उसके अंदर कंटेंट में ऑटोकैड का लेक्चर नंबर 1 फ्री है, तो आराम से वहां से वॉच करके तब इसको बनाना है। ठीक है जी, चलो सर ईमेल आईडी बता दीजिए। अब मैं आपको ग्रुप के अंदर भेज दे रहा हूँ, ठीक है, मैं ग्रुप के अंदर ही भेज दे रहा हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। और ठीक है सर, और किसी कोई डाउट है ट्रेनिंग से रिलेटेड तो पूछो आराम से, क्योंकि फर्स्ट डे मतलब इंट्रोडक्शन, एंजॉय। यस अब बताइए अब ओसामा। यस सर, हाउ कैन आई गेट द सॉफ्टवेयर ऑटोकैड? एक्चुअली डोंट हैव एनी। यस वेरी गुड, ठीक है। किसके किसके पास ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर नहीं है गाइस, कमेंट कर देना यस और नो में, किसके किसके पास ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है सर, ये मैटर नहीं ना करेगा। सॉरी ऑटोकैड का मतलब जो अपना सॉफ्टवेयर का जो पैकेज है 16 के बाद का कोई भी वर्जन रहेगा, 16 भी रहेगा तो चलेगा, 16 वर्जन के बाद कोई भी वर्जन रहेगा चलेगा। ठीक, कोई बात नहीं। देखिए आप सबको कहाँ जाना है, आप सॉफ्टवेयर का टेंशन मत लीजिए, जस्ट देख लीजिए। आपको जाना है www.getintopc.com। कहाँ जाना है? www.getintopc.com, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सर्च करना है आपको, क्या सर्च करना है? AutoCAD 2020, क्या सर्च करना है? AutoCAD 2020, और यहाँ पर कर देना है गो। आराम से सॉफ्टवेयर आ जाएगा, जैसे इस पर क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर यहाँ पर आएंगे आप नीचे, ये पूछेगा डाउनलोड 64 बिट, आप क्लिक कर दीजिएगा, डाउनलोड होने लगेगा ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना, क्लिक कर दीजिए, बस वेट करिएगा कि ए रिक्वेस्ट इज फाइल इज ऑन द वे, ऑटोमेटिक ये डाउनलोड होने लगेगा। देखिए होने लगा, ये देखिए डाउनलोड होने लगा। इसके बाद यहीं पर दिया हुआ है हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप इसको भी डाउनलोड करके रख सकते हैं, क्योंकि इंस्टॉल करते समय नेट को ऑफ रखना चाहिए, तो इसको वैसे इंस्टॉल कर लीजिए, इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, बस यहाँ से आपको इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम रहेगा तो हमको आप कल मैसेज कर सकते हैं दिन में, तो हम आपकी हेल्प भी कर देंगे, बट पहले आप अपना प्रयास पूरा कर लेना, तब प्रयास क्या इंस्टॉलेशन तो हो ही जाएगा। इंस्टॉलेशन के बाद कुछ प्रॉब्लम आया क्रैक वगैरह करने में तो मुझे मैसेज कर देना, मैं जो समय मेरे पास अवेलेबल रहेगा मैं आपको कॉल बैक करके करवा दूंगा उसको भी हेल्प। और किसी कोई डाउट है भाई? सर आने वाले समय में जो सॉफ्टवेयर लगेंगे वे सीक्वेंस इंस्टॉल करेंगे क्या? वो जब जब समय लगेगा तब तक हम दूसरे दूसरे जगहों से देंगे आपको ड्राइंग, ये सब एमएम में रहेंगी। सर एक बार और प्रोसेस बताएं ना। अच्छा ऑटोकैड का क्या? हाँ ओके, अभी केवल सबको ऑटोकैड डाउनलोड करके रखना है, क्योंकि सारा डाउनलोड करके रखोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा कि आपका लैपटॉप स्लो हो जाएगा गाइस, ठीक है, इसलिए अभी केवल ऑटोकैड। कैसे ऑटोकैड डाउनलोड करना है ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आपको जाना है, न्यू विंडो खोलना है, जस्ट लिखना है www.getintopc.com, लिख दिया, लिखने के बाद यहाँ सर्च बॉक्स में लिख दिया ऑटोकैड 2020, क्या लिख दिया? ऑटोकैड 2020 स्पेस दे के गो। यहाँ पर पहला वाला ही ऑटोकैड 2020 आ जाएगा, क्लिक करिए, नीचे आइए और नीचे आके यहाँ पर डाउनलोड 64 बिट पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लगेगा, बस हो गया। और कैसे इंस्टॉल होगा सॉफ्टवेयर, हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, इस पर क्लिक कर दीजिए, डाउनलोड हो जाएगा, बट अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसलिए अभी आएगा तो हटा देंगे इसको हटा देते हैं क्योंकि एक पर्याप्त। क्लियर हो गया? और किसी कोई डाउट है? जेस क्लियर? यस सर, यस यस ओके। और किसी कोई डाउट है गाइस? चलिए स्टार्टिंग में ऐसे धीरे धीरे हम लोग चलेंगे,
स्पीड कब से पकड़ेंगे? लगभग मंडे से हमारी हाईवे पर गाड़ी आएगी और मंडे से हम ऑन द वे हो जाएंगे, फिर थोड़ी सी ट्रक ड्राइंग आने लगेंगी और मजा आने लगेगा। तो राइटर गाड़ी में कितना दिया, कितने दिन लगेगा तुम होने में? 15 दिन मिनिमम, 20 दिन मैक्सिमम, ठीक है? अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए क्या है कि उसमें टोटल 21 लेक्चर है। अब जितना जल्दी आप वॉच कर लेंगे, जितना जल्दी ड्राइंग कंप्लीट कर लेंगे, उतना जल्दी हम लोग शिफ्ट हो लेंगे। 15 से 20 दिन लगता है, ठीक है, और 25 दिन से 30 दिन लगता है रेविट आर्टिक्चर में। इन दोनों पर ज़्यादा टाइम दिया जाता है क्योंकि बिगिनर तौर पे इन पे जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम 1900 रुपये पर ज़्यादा मेहनत करते हैं जिन पे इंटरव्यू में ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन आता है, ठीक है? बाकी पढ़ेंगे सब। 3D Max और टेस्ला के लिए कितने दिन लगेगा? टेस्ला के लिए टिकला पे फोकस करो, 3D Max पे ज्यादा फोकस मत करो, ठीक है? करना है जानने के लिए टिकला पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि बीम का मेन सॉफ्टवेयर टिकला है, 3D Max तो सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, समझ गए? तो अभी 3D Max की जरूरत नहीं रह गई है, अब जो जरूरत रह गई वो टिकला की रह गई। तो टिकला में हम लोग लगभग 25 दिन देंगे, ठीक है? चलो अमनप्रीत कुछ बोलना चाह रहे हैं, समझ में बोलिए। टेकला में हम डिजाइन भी करेंगे? नहीं, डिजाइन नहीं होता टेकला में, टेकला जस्ट रेवी स्ट्रक्चर का एडवांस वर्जन है बस, ठीक है? वो जो डिजाइन का कॉन्सेप्ट है वो डिजाइनर लोग करते हैं, जो स्ट्रक्चर डिजाइनर होते हैं वो करते हैं। टेकला स्ट्रक्चर डिजाइनर करके सॉफ्टवेयर आता है, जस्ट लाइक स्टैड और ईटैब्स, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी पूरी दुनिया जो है मॉडलिंग और डिटेलिंग के आसपास रहेगी। चलो और किसी को डाउट है? नहीं है, ठीक है। सर हाँ जी बताइए। सर जैसे कि हम डाउनलोड करते हैं सॉफ्टवेयर ऑटो कैड का, तो उसमें सेटिंग्स वगैरह भी हमें कुछ मतलब करनी पड़ती है, क्या चीज़ है, कैसे है, एमएम में यूनिट्स वगैरह, डायमेंशंस वगैरह? आप सिर्फ बना के लाइएगा, आज किसी सेटिंग की जरूरत ही नहीं है। ओके सर, नेक्स्ट क्लास में सेटिंग की जरूरत पड़ेगी, फिर भी आप पूछ लिए तो हम बता रहे हैं, आदत है हम बता देते हैं। जब कभी भी ऑटो कैड आप इंस्टॉल करें तो आप आपके ऑटो कैड में यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, ये आपका ऑर्थो ऑन होना चाहिए, डायनेमिक इनपुट ऑन होना चाहिए, और यहाँ एरो पर क्लिक करके स्नैप सेटिंग पर चले जाना, और स्नैप सेटिंग पर क्लिक करते ही आपके पास एक बॉक्स खुलेगा। क्या हो गया भाई? वहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप पर जाना है, क्यों नहीं खोल रहा पता नहीं, ठीक है नहीं खुल रहा है तो मैं शॉर्टकट कर लूंगा। सर 15 लेक्चर्स फ्री है सर ऐप में आपकी? सॉरी, अरे वो मैंने ऐसे करके रखे हुए हैं, वो हमारा अपना वो है सेटिंग करके रखा है। अरे ये वर्क नहीं कर रहा है, चलो वो भी से कर लेते हैं। आपको वहां से एक्चुअली मिलना चाहिए, बट अभी जब नहीं मिल रहा था तो मैंने यहाँ से ओपी से कर दिया। ओपन से पब्लिश सिस्टम यूजर ड्राफ्टिंग मॉडलिंग सेक्शन प्रोफाइल। सर हाँ जी सर, एकेडमी टीपीआर का कुछ कंटेंट है क्या? टीपीआर क्या? टीपीआर है डीपीआर? सॉरी सर, टीक्यूआर फुल फॉर्म बताओ। सर फुल फॉर्म नहीं मालूम सर, मतलब लॉन्ग टर्म का काम शॉर्ट में कर देता है। स्क्रिप्टिंग की बात कर रहे हो शायद तुम? नहीं स्क्रिप्टिंग नहीं सर। हाँ सर स्क्रिप्टिंग की बात है, वो हम लोग नहीं करते, स्क्रिप्टिंग की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। गाइस इसमें क्या करना है, यहाँ पता नहीं मेरे लैपटॉप क्यों नहीं हो रहा, आपको स्नैप सेटिंग में जाना है, वहां पर आएगा ऑब्जेक्ट स्नैप, बस उसमें सबको सेलेक्ट करके डन कर देना है, बस उसके बाद सारी सेटिंग परफेक्ट। चलो और किसी कोई प्रश्न है, क्यूरियसिटी है कुछ? ठीक है, लगभग सबके सॉल्व है, बट कोई बात नहीं, क्वेरी आप पूछिएगा, हम आपके सारे क्वेरी का बड़े रिस्पेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग ने जो बात जो हाँ जी बोलिए श्वेता बोलिए बोलिए। यस सर, सर प्ले स्टोर पे ऐप तो शो नहीं हो रहा है। किस पे? किस पे? सॉरी प्ले स्टोर पे, यस यस। उसके लिए हम आपको लिंक दे देंगे अभी ग्रुप के अंदर, यूनिक्स सिविल का अभी हम प्ले स्टोर वो मिल जाएगा, मैं आपको अभी लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सर।
उसको अभी उस पर कुछ वर्क चल रहा है, इसकी वजह से वो ओके अपडेट हुआ है, आपको लिंक देंगे, ओके आपको सर, ओके डायरेक्ट सर, नाम, ठीक है, चलेगा। ओके सर, थैंक यू ओके ओके जी, ठीक है। कल गाइस कैसे ऐप में आना है उसका एक सेशन छोटा सा रिकॉर्ड करूंगा, आप देख लीजिएगा, कल से क्लासेस आपकी ऐप के ऊपर चलाएंगे, ठीक है। चलो ये इंट्रोडक्शन है, ये आपके यूट्यूब पर आ जाएगा, बाकी क्या बोलते हैं सारी क्लासेस ऐप के ऊपर आएंगे। टेंशन कुछ नहीं लेना है, बस आपका जो पहला कमिटमेंट है जो आपने प्रॉमिस किया है बस वो रखिएगा, बस क्या है वो 80% अटेंडेंस, बाकी सारा काम मेरा है, मैं पूरा करके दूंगा, जितना आपने सोचा है उससे ज्यादा दूंगा, उससे कम का कोई चांस नहीं है। समीर कुछ लेट आए हैं, शायद ये हैंड रेस्ट करना चाह रहे हैं, बट ये बहुत लेट हुए, क्या वो समीर, समीर फिरोज? हाँ जी सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी आ रही है सर, मेरा ये था बस क्वेश्चन। हाँ मैं थोड़ा सा लेट हो गया, कहीं फंसा हुआ नहीं, बहुत मुझे ये पता करना था, सपोज करिए कि जैसे अगर कोई लेक्चर है इन फ्यूचर, हाँ। जैसे आपने कोई आज लेक्चर लिया और लेक्चर के बाद चलिए उस टाइम तो हमें समझ आ गया, और जब हम मैं उसके बाद प्रैक्टिस करूँ या जो भी आपने मुझे काम दिया है उसमें मुझे कुछ डाउट्स हो रहे हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर से पहले हो पाएंगे क्लियर आपसे, या इज इट गोइंग टू बी वीकेंड पे ही वो डाउट्स क्लियर हो सकते हैं? नेक्स्ट लेक्चर पे ही होगा ना, जैसे आज दिया बनाने को, आज जो नहीं बना पाओगे कल बताऊंगा उसको कैसे बनाना है, ठीक। अब ठीक है, इतना पेशेंस रखना पड़ेगा कि आज का मतलब, अब ऐसा तो है नहीं कि नहीं आया तो तुरंत सर आ जाए, नहीं नहीं आज नहीं, का नहीं कल, वो मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तो आज का कल, एवरी डे डाउन थर्ड, आप लेट आए इसलिए तो पता नहीं चला। तीन पार्ट में अपनी ट्रेनिंग डिवाइड है, पहला पार्ट है पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट 30 मिनट, इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन, ठीक है, जैसे आज पढ़ा थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट 30 मिनट क्या है, नेक्स्ट 30 मिनट में मैं आपके असाइनमेंट चेक करूंगा, उसमें जो गलतियां रहेंगी तुरंत बताऊंगा। लास्ट 30 मिनट इज योर्स, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, बट क्वेश्चंस की मेरी एक प्रैक्टिस है, एक आदत है कि जो काम करके आते हैं उन्हीं को क्वेश्चन बताऊंगा जी, क्योंकि इस तो तुम्हें भी जानते हो समीर, इंटरनेट का वर्ड है, क्वेश्चंस खोजना है तो बड़े ढेर सारे खोज सकते हैं, बट जो मेहनत करके आए, मेहनत करके आएंगे उनका जेन्युइन क्वेश्चन रहेगा जी, ठीक है। तो क्वेश्चन हम उन्हीं को बताते हैं जो लोग अपनी प्रैक्टिस फाइल भेजेंगे, और उसी फाइल से रिलेटेड उस काम से रिलेटेड चाहे जो क्वेश्चन पूछ ले। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच, ओके जी, चलो ठीक है सर। सबमिशन का कैसा रहेगा सर? बस मेल करना है, मेल में क्या लिखना है मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ अभी, ठीक है सर। हर कंटेंट का सबमिशन रहेगा, एवरीडे सबमिशन रहेगा, एवरीडे चेकिंग रहेगी, एवरीडे टीचिंग रहेगी, मंडे टू फ्राइडे। नहीं नहीं मतलब फाइनली सबमिशन के ऊपर सर्टिफिकेट आने वाला है प्रेजेंटली? वो तो अभी नहीं है, वो तो 2 महीने बाद है। हाँ 2 महीने बाद है, ठीक है। चलो मैं ये तो पक्का मान लो दिग्विजय कि इफ यू स्पेंड योर 4 मंथ आपके पास जॉब तो जरूर होगी, अगर 80% के ऊपर अटेंडेंस मेंटेन किया आपने, जॉब तो पक्का होगी, छोटी या बड़ी, बड़ी तब होगी जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, छोटी तो हो ही जाएगी क्योंकि इतना मेहनत कर लोगे कि छोटी कंपनी तो ऐसे ही रख लेगी। चलिए गाइस फिर हम लोग आगे कल कंटिन्यू करेंगे।